हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 10th क्लास की मैथ, जिसके एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो है वो हमारी है 4.2, और क्वेश्चन जो है वो है हमारा पहला पार्ट हो चुका है। आज हमारा दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, निम्न गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना है, मतलब हमें द्विघात समीकरण दी गई है तो उसके दो ही मूल निकलेंगे, द्विघात है मतलब उसके दो मूल निकलेंगे, तो वो हमें बताने हैं, ठीक है। तो आपको बता दें, यहाँ से अपनी साइंस पढ़ लेना, सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना। एक और आपसे बात कहनी है भाई, वो बात ये है कि आपके स्कूल भी ओपन हो चुके हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से अब मुझे क्लासेस का टाइम भी एडजस्ट करना पड़ेगा। आपके लिए बेस्ट टाइम क्या होगा बता दीजिएगा, कमेंट करके आप सभी बच्चे ज़रूर बता दीजिएगा कि बेस्ट टाइम अपलोड करने का क्या होगा आपकी क्लास का, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो है हमारा पहले का दूसरा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो है 2x² + x - 6 = 0, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन। अब भाई इसको कैसे सॉल्व करें, तो समझिएगा ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। मुझे पता है मैं अच्छे से समझाऊंगी तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। बस आपको ये काम करना है कि ध्यान देना है यहाँ पे और कहीं पे नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2x² लिख ही लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, और यहाँ पे क्या है -6, ठीक है। इसको छोड़ के इन दोनों की जो है हम गुणा कर लेंगे, मतलब 2 की गुणा हम करेंगे -6 से, तो हमारा क्या आया, -12 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x के गुणांक में कुछ लिखा नहीं है, पर हम जानते हैं कि यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ पे 1 होगा, पर हम लिखते नहीं हैं, तो हम यहाँ पे प्लस का 1 लिख दें, ठीक है। तो मतलब हमें लाना क्या है, गुणा करने पे हमारा -12 है, और जोड़ें या घटाएं जो भी करें, जो हम संख्या ढूंढनी है उन्हीं का, उनको जोड़ें या घटाएं जो भी करें, हमें प्लस का 1 लाना है, ठीक है। ये हमें काम करना है। तो हमें ऐसी संख्याएं जो हैं वो ढूंढनी पड़ेंगी, तो वो हमको क्या मिलेंगी, तो भाई जल्दी से कमेंट करके बताइए ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी, ठीक है। तो आपको पता चल गया, नहीं पता चला, देखो 12 किसके पहाड़े में आता है, तो आप कहोगे कि 2 के पहाड़े में आता है, 2 × 12, ठीक है, 2 × 12। सबसे पहले हम घटा के देखते हैं, क्या हम 2 में से 6 घटाएंगे या 6 में से 2 घटाएंगे, 1 आएगा किसी भी हालत में, इससे उसको घटाने पे, उससे उसको घटाने पे, नहीं आएगा ना। अब हमारा 12 किसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में, 3 × 12 होता है, ठीक है, 3 × 12 तो होता है। अब हम इनको अगर आपस में घटाएं, यहाँ पे हम देख लिख लेते हैं 3 × 12, 12 तो आ गया। अब पर ये कह रहे हैं 12 जो है वो हमारा माइनस का है, तो मान लो हमने इसको माइनस कर दिया, ठीक है, पहले 3 को ही माइनस कर देते हैं, तो हमारा गुणा जो आएगी वो माइनस में ही आएगी। अब हमने माइनस जो 3 था ये लिख लिया, प्लस का जो 4 था ये लिख लिया। अब हमने इनको घटाया तो हमारा प्लस का 1 भी आ गया, मतलब जब हमने इनकी गुणा की तो माइनस का 12 भी मिल गया, और जब हमने जोड़ा या घटाया तो उनका प्लस को, मतलब हमको प्लस का 1 भी मिल गया, मतलब कंडीशन फॉलो हो गई, तो मतलब हमको क्या मिला, ये मिला, ठीक है, ये मिला हमको। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, माइनस का 3 लिख लेंगे, यहाँ पे x था ना, x लगा देंगे, फिर हमारा प्लस का 4 था तो प्लस का 4 लिख लेंगे, यहाँ पे x था ना तो x लगा दिया, और हमारे माइनस का 6 लिखा था वो लिख दिया, बराबर में 0 कर दिया। अब हम यहाँ से इसमें से ये घटा के देखेंगे ना, हमारा तो प्लस का x ही आएगा, है ये घटा के देख लेना, इसमें से ये जब घटाएंगे तो हमारा प्लस का x आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम भाई कॉमन लेंगे। अब आपसे आप कहोगे कॉमन क्या होता है, तो कॉमन होता है सेम चीज़, जैसे मैंने जो कपड़े पहने हैं वैसे ही कपड़े आपने सेम पहने हैं, तो हम में आप में कॉमन क्या हो गया भाई, आप तो स्टूडेंट मैं हूँ टीचर, तो ये तो कॉमन चीज़ नहीं हुई ना, कॉमन हो गया कि हमारे कपड़े कॉमन है, ठीक है, ऐसे ही होता है सेम चीज़। तो इन दोनों में क्या संख्या कॉमन है, क्या 2 के पहाड़े में 3 आता है, नहीं, क्या यहाँ पे 2 लिखा है, नहीं, मतलब संख्या तो कॉमन नहीं है, और x इधर भी है, ठीक है,
तो कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है। कितने एक्स कॉमन है भाई, इधर तो दो हैं इधर एक है, तो एक ही एक्स कॉमन है, तो हमने एक एक्स जो है वो कॉमन ले लिया, तो यहाँ से एक एक्स चला गया, ठीक है, दो बचा और एक एक्स बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, माइनस था, यहाँ से एक्स तो चला गया तो तीन बच गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस था तो हमने प्लस कर दिया। अब इसके यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, तीन गुणे दो होता है, और ये हमारा क्या होता है, दो गुणे दो होता है, ठीक है। तो भाई इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स तो कॉमन है नहीं क्योंकि इसमें एक्स है नहीं, इन दोनों में कॉमन है हमारा दो, दो कॉमन है ना सिर्फ, तो हमने दो कॉमन ले लिया, तो हमारा एक दो चला गया, एक दो बच गया, यहाँ पे एक्स भी था एक्स लगा दिया, यहाँ पे माइनस था माइनस लगा दिया, दो चला गया तीन बच गया, ठीक है, बराबर में जीरो। अब आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है भाई, ये जो ब्रैकेट है और ये जो ब्रैकेट है वो सेम आना चाहिए, जो कि हमारे आ रहा है, तो मतलब हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं, क्वेश्चन जो है वो हमारा सही है, ठीक है, क्वेश्चन जो है सही है। अगर ये अलग अलग आ रहा है तो मतलब क्वेश्चन गलत है। तो अब ये हमारा एक हिस्सा है, ये हमारा एक हिस्सा है, ठीक है, ये हमारा एक हिस्सा है, ये हमारा एक हिस्सा है, तो हमने समझ लो इसमें इन दोनों हिस्सों में से क्या कॉमन है, तो ये ब्रैकेट वाला कॉमन है, ठीक है, तो हमने ये ब्रैकेट जो है ले लिया। अब हमने ये ब्रैकेट निकाल लिया, तो इधर इस ब्रैकेट में से ये चला गया तो क्या बचा, एक्स बचा, इसमें से ये चला गया तो क्या बचा, प्लस का दो बचा, हमारे पास ये आ गया, ठीक है, 2x-3 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मूल ज्ञात करने के लिए। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा 2x-3 है, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे, तो 2x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो हमारा प्लस का हो जाएगा, हमें x का मान निकालना है ना, तो क्या करेंगे, इधर हमारा 2 जो है गुणा में है, उधर जब जाएगा तो हमारा भाग में हो जाएगा 3/2, मतलब ये जो है हमारा एक मूल निकल के आ गया है, ये हमारे यहाँ पे बटे में 2 लिखा है, ठीक है। ऐसे ही हम एक्स प्लस 2 बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, दूसरा मूल निकालने के, तो एक्स बराबर में क्या आ जाएगा, 2 हमारा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हमारा दूसरा मूल हो जाएगा। तो आपको सबसे नीचे ये लिखना पड़ेगा, द्विघात घात समीकरण 2x² + x-6 = 0, ठीक है, के दो मूल 3/2 कॉमा माइनस का 2 हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ, उम्मीद है क्लास जो है आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना किसी भी हालत में नहीं भूलें।